दोस्तों, आप सभी को समुद्र के किनारे घूमना या फिर समुद्र के पानी में नहाना बहुत ही अच्छा लगता होगा और साल में एक ना एक बार गोवा जैसी जगहों में जाने का मन जरूर करता होगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि समुद्र में बहुत सारे टापू यानी कि आइलैंड होते हैं और दुनिया भर में कई ऐसे आइलैंड हैं जिनकी खूबसूरती देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते जाते रहते हैं, तथा कुछ आइलैंड ऐसे भी हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है और ये आइलैंड दुनिया में मौजूद हैं लेकिन यहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाता क्योंकि किसी को इनके बारे में जानकारी तक नहीं है। इन्हीं आइलैंडों के बीच दुनिया में कुछ बेहद छोटे आइलैंड भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दुनिया के सबसे छोटे आइलैंड के बारे में। इस आइलैंड के बारे में जानने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुनिया के सबसे छोटे आइलैंड पर इतनी कम जगह है कि जिसे सुनते ही आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। न्यूयॉर्क के अलेक्जेंड्रिया बाय के पास एक छोटा सा आइलैंड है जिसे दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड बताया जाता है और इस आइलैंड का नाम है जस्ट रूम इनफ। आपको बता दें कि इस आइलैंड का साइज एक टेनिस कोर्ट के बराबर है और इससे भी ज़्यादा आश्चर्य करने वाली बात यह है कि इस आइलैंड पर सिर्फ एक घर और एक पेड़ मौजूद है। जस्ट रूम इनफ आइलैंड इतना छोटा है कि यह घर के एक कोने से शुरू होता है और दूसरे कोने से ख़त्म हो जाता है। पूरी दुनिया में करीब 2000 से ज़्यादा आइलैंड मौजूद हैं और यह आइलैंड उनमें से ही एक है। यह आइलैंड सिर्फ 3300 स्क्वायर फीट की जगह में फैला हुआ है। इतना छोटे आकार का होने की वजह से इस आइलैंड का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। आपको बता दें कि जस्ट रूम इनफ आइलैंड से पहले दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड बिशप रॉक आइलैंड था, लेकिन अब यह आइलैंड दुनिया के सबसे छोटे आइलैंडों में दूसरे नंबर पर आता है। जस्ट रूम इनफ आइलैंड बिशप आइलैंड के आधे के बराबर है। पहले समय में जस्ट रूम इनफ आइलैंड को हब आइलैंड के नाम से जाना जाता था, लेकिन साल 1950 में इस आइलैंड को एक परिवार ने खरीद लिया था और इस आइलैंड को खरीदने के बाद इस परिवार ने आइलैंड पर एक छोटा सा घर बनाकर एक पेड़ लगा दिया था, तथा कुछ दिनों बाद आइलैंड का नाम हब आइलैंड से बदलकर जस्ट रूम इनफ रख दिया था क्योंकि वह आइलैंड एक रूम के ही बराबर था। उस परिवार के लोगों ने अपनी वीकेंड की छुट्टियां बिताने के लिए घर बनवाया था ताकि वे वीकेंड वाले दिनों में उस घर पर जाकर अच्छे से एंजॉय कर सकें। और यह आइलैंड इतना छोटा था कि दूरों दूर से लोग इसे देखने आने लगे और धीरे धीरे यह एक टूरिस्ट प्लेस बन गया और दुनिया के सामने आ गया, तथा दुनिया के सबसे छोटे आइलैंड के नाम से गिनीज बुक में दर्ज हो गया। यार, सोचने वाली बात है कि उस परिवार के लोगों के घर बनाने की वजह से यह आइलैंड दुनिया भर में सबसे छोटे आइलैंड के रूप में जाना जाने लगा। इस आइलैंड के बारे में आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।